क्राइम ब्रांच पुलिस बनकर अपहरण कर वसूली और लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 अभियुक्त गिरफ्तार। मास्टरमाइंड बर्खास्त सिपाही वर्दी की आड़ में कर रहा था लूटपाट, कई मामलों में जा चुका है जेल। बाहर निकलकर गैंग गैंग बनाकर देता था घटनाओं को अंजाम। मैनपुरी पुलिस को उस समय बड़ी सफलता प्राप्त हुई जब मुठभेड़ के दौरान फर्जी क्राइम ब्रांच बनकर लोगों के साथ गिरफ्तारी के नाम पर अपहरण कर परिजनों से अवैध वसूली और सुनसान इलाके से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, तो वही गिरोह में एक बर्खास्त सिपाही भी शामिल है जो लोगों को वर्दी की आड़ में रोककर लूट करने का काम करता था। आपको बता दें, जनपद मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र के ग्राम नंगला इंदे निवासी रणधीर सिंह उर्फ राजा को एक मामले में संदिग्ध बताते हुए क्राइम ब्रांच बनकर अनुपम यादव पुत्र राधे श्याम निवासी गपकापुरा थाना किसनी ने फोन कर केस निकालने के उद्देश्य से ग्राम हरि सिंह के जंगलात में बुलाया, जहां अपनी सियाज गाड़ी के साथ मौजूद हिस्ट्री सीटर अनुसार निवासी रामपुरा और एक व्यक्ति जिसने पुलिस की वर्दी पहने हुई थी, तीनों लोगों ने रणवीर के साथ मारपीट करते हुए गाड़ी में डाल दिया, अपहरण कर लिया और उसके पिता से 1,00,000 की फिरौती की मांग कर डाली। रणधीर के पिता सूबेदार सिंह ने आनन फानन में 60,000 देकर अपने पुत्र को बंधक मुक्त कराया, लेकिन बाकी बचे 40,000 के लिए फर्जी क्राइम ब्रांच के सदस्य रणधीर के पिता को हड़काते रहे, जिससे व्याकुल होकर सूबेदार मामले की रिपोर्ट थाना किसनी में दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज होते ही स्वाट टीम मैनपुरी और थाने की पुलिस हरकत में आ गई। वहीं इस योजना में जिस तरीके से इन सबको गिरफ्तार किया गया है, पूरी जानकारी दी है पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने। सुनिए क्या कुछ कहा है। इसी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 2 दिन पहले एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कि रणधीर सिंह नामक एक आदमी का किडनैपिंग हुआ था, जिसमें कि थाने पर 364A का मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में इसमें हमारी सर्विलांस की टीम और लोकल SHO साथ में CO और पूरी टीम हमारी लगी, और बाद में पता लगा कि ये जो गैंग है, ये पुलिस का एक बर्खास्तुदा सिपाही अनुज, ये जो कि यहीं से बर्खास्त किया गया था पिछले दिनों एक ट्रक लूट के मामले में, यहीं से 2020 में बर्खास्त किया गया था, तो उसका रोल है। और इस आधार पर पूरी टीम सक्रिय हुई और 5 साथी लुटेरे गिरफ्तार किए गए। उनकी कस्टडी से 2 चोरी की एक स्कॉर्पियो, एक सियाज गाड़ी, कुछ कच्चे पुलिस की वर्दी और ये सब सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और ये साथी अपराधी हैं, लंबा क्रिमिनल हिस्ट्री है और इन पर फिलहाल आज जेल भेजा जा रहा है। जनपद में पिछले दिनों 2 लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें शामिल रहे, उसमें भी काफ़ी माल बरामद हुआ है, तो फिलहाल इनको जेल भेजा जा रहा है और इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। इन पर जो गाड़ियां जो बरामद हुई हैं, उस पर पुलिस के स्टिकर लगे हुए हैं, एक राजनीतिक पार्टी का झंडा भी लगा हुआ था, उसकी जाँच की जा रही है कि कैसे उस पर अलग से धाराएँ बढ़ाई जाएंगी।